एवरीवन, मैं आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके का आप कैसे अपनी साड़ी से बहुत ही अच्छा बेस्ट लहंगा बना सकती हैं, वो भी सिर्फ 4 मिनट के अंदर। ये वीडियो 10 मिनट के आसपास की ज़रूर है, लेकिन इसमें फ्रंट एंड एंड में फ़ोटोज़ लगी है, वीडियो शो करके दिखा रही हूँ मैं आपको पहनने के बाद। लेकिन पहनने में सिर्फ 4 साढ़े 4 मिनट ही वक्त लगा होगा। ये देखिए, कोई भी इसे कह सकता है कि लहंगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। इसकी इतनी सारी कलियां हैं, पूरी जो साड़ी है ये, इसकी पूरी कलियां आपके फ्रंट में शो हो रही है। इतना ब्यूटीफुल आपको ये लहंगे का लुक दे रही है, आपको चलने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। जो कंफर्ट आप लहंगे में फील करते हैं वही कंफर्ट है इसमें। ये कितने प्यारे तरीके से इसकी एक एक कलियाँ खिली हुई है, कितना खूबसूरत कलर है ये। और मुझे ऐसा हैवी सा लुक चाहिए था, और ऐसा जो कलर है वो यही चाहिए था, इसलिए मैंने यही वाली साड़ी को पिक किया है। इसमें काफ़ी खूबसूरत कलियाँ हैं साड़ी में, तो बहुत अच्छा है इसका जो लहंगा साड़ी है या साड़ी, बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही पिक कर रही हूँ आजकल। ये देखिए, मुझसे पूछा है सब्सक्राइबर ने मेरी कैसे पेटीकोट पहनते हैं, तो मैंने उसके लिए वीडियोज़ तो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो मैं उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में पहन के आप बताइए कि किस तरीके से पहनते हैं। तो इसमें मैंने 2 पेटीकोट पहने हुए हैं, और उसका जो बांधा हुआ है उसका नॉट वो राइट एंड लेफ्ट है। तो आप जो भी जितने भी पेटीकोट पहने तो वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक राइट एक लेफ्ट, फिर एक राइट एक लेफ्ट। मैंने इसके अंदर पजामा पहना हुआ है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 2 लेगी पे कैसे पहनते हैं, तो मैंने इसमें 2 पजामे ही पहने हुए हैं, उस पर मैंने 2 पेटीकोट पहने हुए हैं। तो आप उस पर आप 2 पजामा हो या लेगी हो, जींस हो या प्लाजो हो, पजामा हो, तो आप पेटीकोट के अंदर तो कोई भी कुछ भी पहन सकती है, लेगिंग जैकिंग वगैरह तो शो नहीं होता है। अगर ठंडी है तो आप ज़रूर इनर पहन लीजिए, इनर वाली जो पजामी होती है, या जीन्स वगैरह कुछ भी अगर पेटीकोट के अंदर वेयर करें तो काफ़ी अच्छा है, ठंड नहीं लगेगी आपको, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी और रिलैक्स भी रहेगा विंटर सीजन में। और समर वगैरह के लिए तो ओके है पेटीकोट, आप 1 या 2 3 जितने पे भी आप साड़ी पहनते। तो ये मैंने डबल पेटीकोट साड़ी पहनी हुई है, तो आपको अगर पेटीकोट के अंदर कुछ भी वेयर करना है, लेगिंग जैकिंग वगैरह, जीन्स वगैरह, तो आप कुछ भी वेयर कर सकती हैं। ये साड़ी मैं एक अलग टाइप का लहंगा बना रही हूँ, वो मतलब दूसरे टाइप का नहीं है, जो प्लेट्स प्लेट्स चारों तरफ बनेगी, एक तरफ प्लेट बना के उसको चारों तरफ घुमा के बनाना, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक ऐसा अभी तक किसी ने शायद शो नहीं किया होगा, बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल हटके, और इतना ईजी है कि आप इसे 3 से 4 मिनट में बना लेंगे। देखिए, ये जो हमने एक राउंड लिया, जैसे हम नॉर्मल साड़ी में लेते हैं एक राउंड ले लिया है, और जो उसका पल्लू एरिया है उसको हम ऐसे राउंड लेते हुए एक तरफ हमने टक किया है। कोई भी इसमें सेफ्टी पिन मैंने तो एक भी यूज़ नहीं किया है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें ज़रा भी सेफ्टी पिन की। तो मैंने एक तरफ देखिए टक कर दिया है पेटीकोट में, क्योंकि हम पेटीकोट पे टक करते हैं साड़ी नॉर्मली, तो गिरती तो कभी भी किसी की नहीं है। अच्छे से आप टाइट पेटीकोट बस बांधिए। देखिए, पल्लू जो है मैंने वो एक राइट तरफ टक किया है, एक लेफ्ट साइड टक किया है, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड टक किया है। लेफ्ट साइड जो है, जो पल्लू है वो बड़ा है, तो मैंने लेफ्ट साइड है वो 3 प्लेट्स बना के उसे टक किया है, और जो राइट साइड है वो सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि इसका बॉर्डर शो हो रहा है। तो बॉर्डर आप में नहीं भी हो साड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बॉर्डर था तो बॉर्डर शो हो रहा है। मैंने टक कर दिया है, दोनों तरफ ही टक कर दिया है, और जो बीच का जो पूरा साड़ी का एरिया है उसके नॉर्मल प्लेट्स बना लेंगे। जैसे हम सिंपल अपनी साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं, बस कंटिन्यूसली हम प्लेट्स बना लेंगे पूरी साड़ी की, और उसको टक कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। आई थिंक 4 मिनट में आप कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, मैंने प्लेट्स बना ली है, पल्लू को मैंने घुमा के राइट एंड लेफ्ट टक कर लिया है। अगर आपकी पल्लू बड़ी है तो उसको एक तरफ आप 3-4 प्लेट्स बना के टक कर लीजिए। पूरा जो पल्लू का जो पूरा आपके बैक पे जो एरिया आएगा वो बिल्कुल लॉन्ग श्रग की तरह, ये एक अलग ही आपको डिफरेंट लुक देगा। अगर 2 कलर की आपके पास साड़ी है तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने पल्लू का जो एरिया उसको ऐसे राउंड कर रखा है, और जो पूरी साड़ी की प्लेट्स है उसे पूरी प्लेट्स बना ली है। ये मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं किया, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर ने कहा कि दी आप स्पीड मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आप समझाइए। देखिए, मैंने प्लेट्स बना ली है, उसे टक कर लिया है, और जिस तरह से मैं अभी टच कर रही हूँ उसे मैंने 3 प्लेट्स बना के टक किया है। और जो मेरा ये राइट वाला साइड है, ये आपको अच्छे से बता रही हूँ, बिल्कुल आप जो चाहें तो अगर इसका बॉर्डर है तो आप शो कर सकती हैं अपने बैक साइड कमर पे। ये देखिए, इसका पल्लू थोड़ा सा इधर भी बड़ा था, तो मैंने इधर भी 1 प्लेट लिया है, और इसका बॉर्डर मैंने ऊपर कर, देखिए ऐसे मैंने 1 प्लेट लिया है, इसका बॉर्डर ऊपर रखा है, और बिल्कुल फ्लोर टच करते हुए जो बिल्कुल नीचे बिल्कुल गोल राउंड आए, तो उसका चाहे प्लेट्स हो तो वो भी इक्वल हो, और जो साड़ी का जो हम श्रग बना रहे हैं वो भी इक्वल हो। मैंने इसको बिल्कुल इक्वल रखा है, और हम इसे टक कर लेंगे। बस कुछ भी इसमें
हार्ड है ही नहीं, इतना सिंपल है ये, इतना ज़्यादा सिंपल। इसमें मैंने अभी एक भी पिन नहीं लगाया और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है मेरी साड़ी, बिल्कुल रेडी हो चुकी है साड़ी। देखिए कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 मिनट में आप साड़ी ये कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से आपको शो करके अच्छे से दिखाऊंगी। बाकी मेरी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है, अभी मुझे इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपका जो ये साइड में जो बॉर्डर है साड़ी का, जो मैं अभी टच कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे अपनी साड़ी से अटैच करते हुए 3 सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। बाकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा फुल मूव करके दिखाऊंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आप लेकिन चाहें तो उधर की तरफ 3 सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नीचे वाली बॉर्डर से अटैच करके। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। आप चाहें तो जो बैक पे बॉर्डर है वो मैंने अभी ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको अंदर टक इन कर लीजिए, तो वहाँ पे जो लाइंस है वो नहीं आएंगी। यहाँ लीजिए, मैं आपको टच करके बता रही हूँ, यहाँ पे आप अगर चाहें तो 3 सेफ्टी पिन लगा सकती हैं। एक जो नीचे बॉर्डर है साड़ी की और जो प्लेट का बॉर्डर है उसमें टक करके बीच में, एक ऐसा देखिए कितनी प्यारी सी कलियाँ, बिल्कुल खिली हुई है, इतनी सारी कलियाँ हैं इसमें, और ये बहुत खूबसूरत लगता है आपको। जो अगर 2 कलर की साड़ी होगी तो बहुत ही अच्छा आपको लॉन्ग श्रग वाला लुक आएगा बैक साइड से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप 4 से 5 मिनट में साड़ी पहन लेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल मेहनत ही नहीं है। इनफैक्ट जो लड़कियाँ हैं वो भी इसे पहन लेंगे, इतना इजी है ये। चाहे उन्होंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी हो तो भी, इसमें कुछ है ही नहीं साड़ी में, बस बीच में एक प्लेट्स बना के डालना है। अगर आपके प्लेट्स थोड़ा रैंडम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता। बस ये कि साड़ी पूरी फ्लो टच होनी चाहिए, बस सिर्फ ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है इसका। आप चाहें तो अपने ब्लाउज़ की या अपने लहंगे की कोई चोली हो, ब्लाउज़ हो, कुछ अच्छा सा आपके पास क्रॉप टॉप हो, किसी भी टाइप का आपके पास टॉप हो जो आप ऊपर वेयर कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी दुपट्टा, कोई भी शॉल, लहंगे का दुपट्टा हो, या किसी भी तरह का सूट वगैरह का हैवी दुपट्टा हो, या सिंपल जो भी आप वेयर करना चाहती हैं उसे वेयर कर सकती है। देखिए इसका कितना प्यारा लुक है, कोई कह सकता है कि लहंगा नहीं है, इतना खूबसूरत है इसकी, इतनी प्यारी प्यारी कलियाँ हैं, और जो ये पल्लू जो बैक साइड से आ रहा है हाफ राउंड लेके, वो इतना खूबसूरत से लॉन्ग श्रग का लुक दे रहा है। इसीलिए आपको अगर लॉन्ग श्रग का लुक देना है तो 2 कलर में साड़ी होनी चाहिए, एक जो पूरा आपके फ्रंट में आ जाएगा जो लहंगे जैसा, और दूसरा कलर जो आपके ऐसे बैक साइड आएगा, तो उसको आपको एक अलग ही लुक मिलेगा। आपके पास कैनकन स्कर्ट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका इतना अच्छा खुद का ये इतनी सारी कलियाँ और इतना सारा घेर है इसमें, कैनकन की कोई ज़रूरत नहीं है कैनकन स्कर्ट की। देखिए कितना प्यारा बिल्कुल खिला हुआ है, और कितना हैवी लुक लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके पास 2 कलर में साड़ी नहीं है, एक ही कलर की साड़ी है सारी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 में ये है कि आपको एक अलग कलर मिल जाएगा फ्रंट और बैक में, बाकी साड़ी आप एक में एक कलर की हो तो भी ऐसे ही पहनेंगे, 2 कलर हो या 3 कलर हो तो ऐसे ही पहनेंगे। वैसे 2-3 कलर में तो आजकल सबके पास साड़ी होती है। देखिए कितना प्यारा ये हैवी सा साड़ी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा ये जा रहा था, इसलिए मैंने इसी साड़ी को पिक किया है। इसमें गोल्डन और ब्लू बहुत अच्छा कलर मैच है, तो मैंने इसी को किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लुक, देखिए मैं आपको कितने अच्छे तरीके से इसे मूव करके दिखा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप चाहें तो इस पर टॉप वगैरह या ब्लाउज़ या कोटी चोली जो भी होती है आप उसे वेयर कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको उस पर दुपट्टा ऐड करना है, शॉल ऐड करना है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है ये, इतना खूबसूरत है, लग ही नहीं रहा कि ये लहंगा नहीं है, और आप 4 से 5 मिनट में इतना खूबसूरत लुक कैरी कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी सेफ्टी पिन नहीं है, आप हील पहनेंगे तो पहले हील पहन लीजिए फिर साड़ी पहनिएगा, या फ्लैट्स वगैरह में ये ओके, और फ्लोर टच ही रखिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको और भी अलग अलग तरह के वीडियोज़ चाहिए हेयर स्टाइल की, या खाने की, या नॉलेज की, या साड़ीज़ वगैरह की, ड्रेस वगैरह की, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छे कमेंट कीजिए हमें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये लुक बहुत ही प्यारा है गाइस, एक बार आप ज़रूर शादी में इसे ट्राई कीजिए, बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल लूज़ नहीं होगा, निकलेगा नहीं, अच्छे से आप पेटीकोट बस पहन लीजिए। कैनकन स्कर्ट भी इतना फ्लॉलेस लगेगा, इतना पफनेस होगा, साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, और देख के एक बार में कोई कहेगा भी इनकी साड़ी है आपके, ऐसा लगेगा जैसे लहंगा है। तो आप विंटर सीजन चल रहा है, बहुत शादी हो रही है, तो आप अपनी ऐसी जो हैवी हैवी साड़ी है उनका बहुत अच्छा लहंगा बनाइए, पहनिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लगेगा। वही सिंपल हर तरह का एक ही जैसा मत पहनिए, इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में पहनिए, आपकी पुरानी साड़ियों को भी अच्छे से नया लुक दीजिए। ये देखिए मैंने आपको दुपट्टा का सजेशन दिया है ये, कि आप ऐसे किसी को दुपट्टे या किसी भी शॉल को रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।